ये बॉलीवुड वालों की भी मैं पहली बात करूंगा, ये साले कभी जिंदगी में चैनल गाइस, आप लोग कुछ दिन से न्यूज में देख रहे हो आ रहे आ रहे आ रहे, मतलब आ रहे के पेड़ काटे जा रहे हैं, गवर्नमेंट ने ये कर दिया, रात में पेड़ काट रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ये न्यूज में फुल फैला हुआ है। न्यूज में ये भी फैला हुआ है कि गवर्नमेंट कितनी बेकार है, क्यों आ रहे में इतना कर रही है, मतलब मुंबई कर्स के उनके लंग्स से उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, वो सिर्फ अपना जो है वो करना चाहती है, अपना नाम बढ़ाना चाहती है, एंड इलेक्शन में हम उनको वोट नहीं देंगे, इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं। देखिए ये जो चीज़ है, ये एनजीओ माफियाज यही चाहते थे, जो हमेशा से जो भी क्रिटिकल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके अंदर बाधा डालते हैं, हमेशा स्टेट को अपोज करते हैं, हमेशा ये चीज़ करते हैं। देखिए ये जो एनजीओ माफियाज है, इनको सिर्फ नॉर्मल इंसान मुंबईकर चाहिए जिनको उनको कुछ बातें बतानी है एंड वो फुल अगेंस्ट हो जाए गवर्नमेंट के, बिकॉज बहुत जन को गवर्नमेंट से गुस्सा होता है एंड जस्ट छोटे छोटे पॉइंट्स चाहिए होते हैं गवर्नमेंट को सुनाने के लिए। स्टार्ट करता हूँ ये चीज़ से कि जो लोग समझते हैं कि संजय गांधी नेशनल पार्क और आरएफ जो है वो एकदम कंबाइंड है, वो एक ही है। पहली बात तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों अलग अलग बाउंड्रीज हैं। फर्स्ट इज जो संजय गांधी नेशनल पार्क है वो अराउंड 12,000 हेक्टर में है, जो आरे है वो अराउंड 1300 हेक्टर्स के अंदर बना हुआ है। कार शेड जो है उसको अराउंड 30 हेक्टर्स चाहिए। जो पूरे मुंबई में आइडेंटिफाइड ट्रीज है वो अराउंड 30 लाख है एंड उसमें से अराउंड 4.5 लाख ही है जो अपने आरे के अंदर है। एंड जो ये कार शेड में से 2700 नहीं अराउंड 3100 पेड़ कटने वाले हैं, ये सिर्फ 2% जो है वही कंट्रीब्यूट करते हैं ट्रीज के इसके अंदर। एंड ये जो 2% जो है उसमें से अराउंड जो कटने वाले वो 83% जो है जहाँ पे कारशेड बनने वाला है वहाँ पे ट्रीज नहीं है, जो 17% है उसके अंदर ये 2% जो ट्रीज है वो होने वाले हैं। रही बात ये चीज़ की कि जो लोग हैं वो सोच रहे हैं कि ये 2700 पेड़ कटने से हम मर जाएंगे, मुंबईकर्स मर जाएंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। गवर्नमेंट ने ये सारी चीज़ें असेस की है, एनवायरमेंटलिस्ट बुलाए थे, सारी चीज़ें उन्होंने देखी है, ऐसे ही नहीं कि उठे एक दिन और बोले कि नहीं हमें आरे के हमारा कारशेड जो है वो आरे में बनेगा। देखिए जो प्रॉस्पेक्ट्स बताए जा रहे हैं कि यहाँ पे कांजीरमार्ग में हो सकता था, यहाँ पे हो सकता था, बीकेसी में हो सकता था, बहुत जगह पे हो सकता था, तो देखा जाएगा तो फिजिबली एंड लीगली वो पॉसिबल नहीं है। कंस्ट्रेंट्स जो है, जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स है, उसकी वजह से प्रॉब्लम होगा। आरे जो है ये गवर्नमेंट लैंड है, आरे कोई फॉरेस्ट नहीं, ये प्रूव्ड है। जितने भी एक्टिविस्ट ने जो कंप्लेन की थी एंड जो फाइल्स किए थे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में, ये सारी रिजेक्ट हो गई है बोल के कि आरे एक फॉरेस्ट नहीं है, ये एक अपना मिल्क डेवलपमेंट प्लांट है जो गवर्नमेंट के पास है, मिल्क डेवलपमेंट का एरिया है। अब क्या है कि बहुत सारे लोग ये नहीं समझ रहे हैं, अगर हम पूरा ऑल इन ऑल देखें तो वो लोग कहाँ थे जब फिल्म सिटी जो संजय गांधी नेशनल पार्क से जुड़ के आता है वो एक छोटे से लैंड में था। अब देखेंगे अगर उसके सैटेलाइट इमेज देखेंगे तो वो अराउंड 80% बढ़ गया है। वो लोग ने तभी कुछ नहीं बोला। ये जो बॉलीवुड के लोग अब बोल रहे हैं कि सेव आ रहे सेव आ रहे, ये तो बिंदास अपनी गाड़ियों में बैठ के फिल्म सिटी में जाते, कभी वो लोग ने ये नहीं चेक किया कि वो स्टूडियोज बनाने के लिए कितने पेड़ काटे गए थे। ये जो रॉयल पाम का प्रोजेक्ट है ये सैंडविच है संजय गांधी नेशनल पार्क और अपने आरे के बीच में, वहाँ पे एक गोल्फ कोर्स बनने वाला है एंड उसका 1% भी नहीं है, 1% जो बनने वाला है वहाँ पे उतना 1% भी नहीं है कारशेड के लिए चाहिए। ये जो मेट्रो की थर्ड लाइन है वो इतनी क्रिटिकल है एंड ये मेन लाइन है, अगर आप देखें तो ये 6 बिजनेस यूनिट्स को अपना अटैच करने वाला है, टर्मिनल्स अपने अटैच करने वाला है, एयरपोर्ट्स अपने अटैच करने वाला है। ये जो थर्ड लाइन है, ये कितनी अच्छी है एंड ये कितनी बहुत सबसे बिजी रूट होने वाली है एंड वो बिजी रूट के चक्कर में गवर्नमेंट को ऐसे जगह पे चाहिए था जहाँ पे 8 जो कार्स है वो आराम से वहाँ पे पार्क हो सके कि जब भी रिक्वायरमेंट होगी तो ये लाइन में वो यूज कर पाएंगे। आरशेड जो है ये बहुत कम जगह ले रहा है एंड जो रॉयल पाम्स और ये जो फिल्म सिटी ने जो घुसे हुए हैं उनसे बहुत ही ज्यादा कम ले रहा है। वो लोग कभी कुछ नहीं बोलेंगे, जो प्रोजेक्ट्स दिए गए थे तब कोई कुछ नहीं बोल रहा था, अब जो एक्टिविस्ट आप लोग को दिमाग नहीं दे रहे हैं, जो आपको ऐसी बातें बता रहे जिससे आपको कुछ पता नहीं है, फैक्ट्स नहीं बता रहे, कोई माफिया आपको ये चीज़ नहीं बताएगा कि संजय गांधी नेशनल पार्क के अंदर से जो फिल्म सिटी है, रॉयल पाम्स का जो प्रोजेक्ट है वो कितना पॉसिबली कितना गंदा कर रहा है मुंबई को, नहीं। बट बिकॉज ये गवर्नमेंट कर रही है तो गवर्नमेंट पे हमें उंगली उठाने का मौका मिल गया, उसके लिए हम लोग गवर्नमेंट की मार रहे हैं। अगर देखा जाएगा तो जो 2700 पेड़ वो लोग काट रहे हैं, गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट से अप्रूवल है कि आप करिए, और उसके अराउंड मोर देन 6 टाइम्स, मोर देन 10 टाइम्स जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी ट्रीज है वो लगाइए। देखिए हाँ, ये मैं समझ सकता हूँ कि पेड़ काटना, मैं भी चाहता हूँ कि पेड़ कोई ना कटे, बट अगर आप देखें तो ये उसके जो वो 2700 पेड़ काटने के बाद कितना फायदा हो रहा है हमें, अगर आप देखें तो जो लोकल्स में लोगों की जान जाती है, जो ट्रैफिक जैम्स की वजह से प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, ये जो एक कार शेड बन जाएगा एंड इसकी वजह से जो मेट्रो की मेन लाइन है थर्ड लाइन वो इतने अच्छे से चलेगी एंड वो बिजी रूट है, बहुत सारे लोगों की जान बचेगी, लोकल्स जो है वो कम भरेंगे अब एंड बहुत सारे लोग अब मेट्रोज यूज़ करेंगे, बहुत सारी चीज़ें इससे फ़ायदा होगी। 2700 के बदले वो लोग 27,000 पेड़ लगाने वाले हैं एंड ये लोग ने लिख के बताया। बात जो लोग आप नहीं समझ पा रहे हो
कि ये एक्टिविस्ट नहीं चाहते कि आप लोग फैक्ट्स जाने। अराउंड 23,000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है मेट्रो का, ये डीले की वजह से पहले ही 30,000 करोड़ हो चुका है। लैंड एक्विजिशन में देखा जाता तो 7,000 से 8,000 करोड़ और लग जाते। क्या ये मेट्रो लाइन फिजिबल होती? क्या गवर्नमेंट रिकवर कर पाती है पैसे? पहले ही अराउंड 61% जो फंड्स है वो डिसबर्स हो चुके हैं, काम चालू है। ये मेट्रो लाइन अगर नहीं बनती तो आप समझ सकते कितने टैक्स पेयर्स का पैसा बर्बाद होता। गवर्नमेंट उठ के सीधा नहीं बोलने लग गया कि नहीं आज हमें आरे काटना है बस। उन्होंने बहुत सारी रिसर्च की, बहुत सारी चीज़ें फिजिबल है कि नहीं। लोग बोल रहे हैं कांजूरमार्ग में कर दीजिए। कांजूरमार्ग का जो लोकेशन है वो 10 किलोमीटर दूर है मेट्रो के लाइन से। आपको लगता है वो इतने दूर पे कोई कारशेड रखता है क्या? नहीं रखता। अगर आप लोग को ये बात समझ में आती, फैक्ट समझ में आते, तो आप प्रोटेस्ट करने वालों का सपोर्ट नहीं करते। मेरे कुछ दोस्त है वो सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए मैं समझ सकता हूँ कि आप वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट इसके लिए सपोर्ट कर रहे हैं, बट अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं आपको ये बात समझ में आ रही है तो आप प्लीज़ वो जो आप सोच रहे हो कि ये गवर्नमेंट ने जो किया है वो पूरा घान कर दिया है, बहुत बेकार चीज़ कर दी है, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ माफियाज जो हैं वो मतलब ये तो मैं एनजीओ माफिया की बात कर रहा हूँ। अभी कुछ आएंगे प्रोपोगंडा ऐसे लेके पूरे यूट्यूब को गंदा कर देंगे। साले वो इंडिया में रहते भी नहीं है, मुंबई के बारे में कुछ जानते भी नहीं है। बाहर से मैं लोकेशन नहीं बताऊंगा बट मैं वीडियो बनाऊंगा रियलिटी ऑफ आरे फॉरेस्ट। पहली बात तो आरे फॉरेस्ट नहीं है, गवर्नमेंट ने प्रूव किया, जो एक्टिविस्ट ने फाइल किया था वो सारी रिजेक्ट हो चुकी है। अब ये क्या करेंगे? नहीं, हम आरे के बारे में बोलेंगे। आरे के बारे में घंटा तुम कुछ जानते हो? मैं मुंबई में रहता हूँ, मैं रोज ट्रैवल करता था आरे के अंदर से, मुझे पता है कि एक टाइम था वहाँ पे कुछ रोड्स बीच भी नहीं थे, पेड़ काट के ही रोड्स बने हैं ना। वहाँ पे हैबिटेट जो हुआ है वो इसी वजह से हुआ है। जो 100% का जो पूरा लोकेशन था उसमें से वो 17% ही काट रहा है। 83% में पहले ही कारशेड के लिए कोई ट्रीज नहीं थी वहाँ पे, तो आराम से कारशेड बन जाती। गवर्नमेंट पागल थोड़ी है ऐसे उठ के बोल देगा कि यार चल कल आरे काट लेते हैं। ये लोगों को समझ में नहीं आ रही है। एनजीओ माफिया चाहते हैं कि क्रिटिकल से क्रिटिकल प्रोजेक्ट, जो इतना पैसा हम लोगों ने डाल दिया टैक्स पेयर्स के, इतने पैसे गए हैं गवर्नमेंट में, ये एनजीओ माफिया चाहते हैं कि गवर्नमेंट की बदनामी और ये पैसे डूब जाए। आप टैक्स पेयर्स के साथ खेला जा रहा है। ये जो एनजीओ वाले करते हैं ये मतलब ये बॉलीवुड वालों की भी मैं पहली बात कहूँगा, ये साले कभी जिंदगी में अपना मेट्रो लाइन यूज़ नहीं करेंगे। एंड आज खड़े सेम आ रहे ये अपने SUVs में जाएंगे, अपने बड़ी बड़ी गाड़ीज में, वही फिल्म सिटी में जाएंगे और पोल्यूशन करेंगे। आप लोग को ये बिल्कुल भी नहीं समझ आएगा। जस्ट बिकॉज एक बॉलीवुड एक्टर आ गया वहाँ पे सपोर्ट करने के लिए उसकी वाहवाही हो रही है। वो चाहते ही यही थे कि मैं सपोर्ट के लिए पहुंच जाऊँ वहाँ पे एंड मेरी मस्त 4-5 फोटो आ जाए, लोग मुझे बोले कि अरे ये कितनी अच्छी बंदी है, ये कितना अच्छा एक्टर है, ये कितनी अच्छी एक्ट्रेस है जो सपोर्ट में आ गई। वो लोग जिंदगी में अपना कभी मेट्रो लाइन यूज नहीं करेंगे। हम आम लोग जो है वो मेट्रो लाइन यूज करने वाले, हमें पता है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है मेट्रो लाइन की। हमारे घर में से किसी की जान जाती है, जब ट्रेन में जगह नहीं होती वो जबरदस्ती चढ़ते हैं, वो गिर जाते हैं। आप लोग को ये बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा। लेकिन ये जो बॉलीवुड वाले ये लोग का काम ही यही है कि अभी कुछ बोलना है, थोड़े दिन बाद वो भूल जाएंगे, अमेजोन के लिए बोलेंगे, इसके लिए बोलेंगे, बट आरे के लिए जब बोल रहे हैं तो सेंसिबली नहीं बोल रहे हैं। आप लोग को ये बात समझनी पड़ेगी। एनजीओ माफियाज ने सबके दिमाग में यही बिठा के रखा हुआ है। 80% मेरा टाइम जोन यही बोले कि सेव फॉरेस्ट, सेव आरे, सेव आरे, सेव आरे। अगर आप लॉजिकली बात समझिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो आप लोग ये क्वेश्चन करते ही नहीं। कितने सारे लोग हैं यार, मतलब एकदम पागलों की तरह इसको गवर्नमेंट की मारे जा रहे हैं कि हम तुमको वोट ही नहीं देंगे, हम तुमको वोट नहीं देंगे। ये जो बाकी जो पार्टियां हैं बोल रहे कि इनको वोट मत दो, इन्होंने ये मेट्रो कर दिया, जब सरकार चली जाएगी इनकी सरकार आएगी ना यही जाएंगे सबसे पहले उद्घाटन करने के लिए। मेट्रो की थर्ड लाइन कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी बिजी होने वाली है, इसी वजह से वहाँ पे वो बनाया जा रहा है। पूरा रिसर्च किया है, पूरे बैठे हैं, तब जाके सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया। आप लोग सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर नहीं मानोगे? ये वीडियो मैं उनके लिए बना रहा हूँ जिनको बिल्कुल भी समझ नहीं है इस चीज़ की, वो बोले जा रहे हैं। ये बात को समझिए, ये चीज़ को समझिए। पेड़ काटना मानता हूँ मैं गलत है, बट पेड़ क्यों काटे जा रहे हैं, उसके बदले क्या हो रहा है वो भी तो देखिए। सिर्फ पेड़ काट रहे हैं उसके ऊपर तुम बोले जा रहे हो। अगर तुम लोग को डेवलपमेंट चाहिए तो ये सब सारी सेक्रीफाइसेज हमें करनी पड़ेगी। बट अगर आप देखें तो ये सेक्रीफाइस एक पेड़ काट के 2700 काट रहे हैं, तो उसके बदले कुछ लगा भी तो रहे हैं। एंड वो चीज़ सेम होने वाली है कुछ टाइम के बाद। आप लोग को ही पता चलेगा कि वो जो कारशेड बना है वो क्यों बना है। एक बार कर तो लेने दीजिए गवर्नमेंट को, मेट्रो लाइन स्टार्ट तो कर लेने दीजिए, आपको तब समझेगा इसका इंपॉर्टेंस। अब तो आप मुंबई में आधे से ज़्यादा लोग तो मुंबई में रहते भी नहीं यार, बोले जा रहे हैं। वो बनाएंगे साले, वो वीडियो बनाएंगे, मेरे को अब गुस्सा आ रहा है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, बट मुझे पता है वो लोग बनाएंगे रियलिटी ऑफ दिस, रियलिटी ऑफ दैट। अगर आप दिमाग से सोचें एंड ये जो बनाई जा रही है इसके बारे में पूरा रिसर्च करें, तो आप लोग जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया उसको आप सपोर्ट करोगे, जैसे मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं मुंबई में रहता हूँ, मुझे पता है क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जिनको कुछ पता नहीं है। तो अगर आप दिमाग लगाएंगे तो आपको समझ जाएगा। अब मुझे बहुत सारे लोग इसके बारे में हेट करेंगे, जो मैं आई डोंट केयर यार, मेरे को नहीं फर्क पड़ता है।
मेरे को पता है मेरे को क्या चाहिए वहाँ पे एंड वो क्या हो रहा है, गवर्नमेंट जो कर रहा है उसको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, कोई भी गवर्नमेंट होती मैं सपोर्ट करता, बिकॉज मुझे पता है उससे क्या होना है। मैं रोज ट्रेन में ट्रैवल करता हूँ, मैं देखता हूँ लोगों को मरते हुए। अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरा तुम दोस्त हो, तुम देख रहे हो, अगर ये वीडियो का तुम मुझे हेट भी करने लगो तब मैं जान जाऊंगा कि तुम किस रियलिटी, देखो मेरा व्यू और तुम्हारा व्यू अलग हो सकता है, बट अगर तुम इसी वजह से मुझे हेट करने लगो तो मैं तुम्हें जान जाऊंगा तुम मेरे दोस्त कभी थे ही नहीं। अकेले अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हो एंड अगर लॉजिकली सोचोगे तो ये जो ड्रामा चल रहा है कि सेव आ रहे सेव आ रहे, अरे सेव भी है, 2700 पेड़ जो कट रहे हैं वो फायदे के लिए कट रहे हैं, उसके बदले भी जो होने वाला है वो अच्छा ही होने वाला है, तो आप लोग दिमाग लगाइए एंड जो ये जो फालतू पोस्ट शेयर कर रहे हो ना ये प्लीज़ बंद कर दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस गाइस, प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर मेरी बात से सहमत रहते हो एंड अगर मेरी बात को समझ रहे हो एंड उनको येड़े जो बनाने वाले हैं वीडियो उनको अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, मुझे सपोर्ट करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, कमेंट करिए एंड इसके बारे में बताइए। तब तक के लिए जय हिंद।